मैंने इसको किया है प्रैक्टिकल में, मेरे जीवन की एक एक परिस्थिति ने मुझे महान बनाया। अगर मेरे जीवन में परिस्थिति ना आती मैं कभी महान। लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल तक स्कूल में नहीं गए थे। 11 साल के बाद मन में आया कुछ समाज के लिए करना है। 11 साल के बाद स्कूल में गए, एक घंटा जितना गाँव था, तो वहाँ उसी जमाने में एक ही रूम की 7 कक्षे एक घंटी बैठती थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं, कहा कोई बात नहीं कल से आओ। और पहले दिन मुझे 5वीं कक्षे में बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएगा तो भी सुन लेना, दूसरे को सुना। मैंने एक साथ में 5 कक्षे की बातें पढ़ी और वो जब जाना सुन के अगर वालों ने मना किया, कहा कि आपने उस पैसा नहीं है नहीं जाना स्कूल में। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा, कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। एक साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षे की बोर्डिंग की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते कक्षा स्कूल में नहीं। मैं सोचा अब क्या करें, फिर मैं तो मना किया, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके लिख करके पढ़ाई करता था, ना चोरी की ना गलत रास्ते में गया। और एक दिन आया उसी रद्दी से ब्रह्मा कुमारी का खिताब मिला, किसी से ज्ञान मिला। जीवन की परिस्थिति महान बताते, अगर व्रति से धुलाई करके लिखते थे तो शायद फट जाता था। तो टीचर ने एक दिन मेरी डायरी की बात पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगा रहे, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग सुधारो। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैंने सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे कल कर लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा था, आज माउंट आबू में 25 दिन बोर्ड लिखता हूँ। अभी भी देखो मुरली लिखी है मैंने, आप लोगों ने भी मुरली सुनी होगी, मैंने भी सुनी, कितना सुंदर लिखा, सुनते सुनते टाइम भी बनाया बड़ा। तो देखो एक एक परिस्थिति से कल्याण हुआ, मैंने परिस्थिति को टीचर बनाया।